ट्रांसप्लांट से पहले लगभग मेरा आगे का एरिया खाली हो चुका था, घबराहट से होने लगती थी, तेरे बाल नहीं है और तुझे फेस करना पड़ेगा लोगों के सामने। जब ट्रांसप्लांट हुआ था तो कुछ आपको पेन वगैरह किस तरह का एक्सपीरियंस था ट्रांसप्लांट के टाइम? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। जैसा कि आप साथ देख रहे हैं, आज ये इनका ट्रांसप्लांट हुआ था और इनका रिजल्ट आ गया। कितना टाइम हुआ आपके ट्रांसप्लांट को? लगभग 4-4.5 महीने के हुआ, करीब हुआ। सिर्फ 4.5 महीने का ये रिजल्ट है। आपको आगे इनकी पूरी जर्नी देखने को मिलेगी, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि ट्रांसप्लांट से पहले इनका कैसा था, कैसे ट्रांसप्लांट हुआ और कैसा इनका रिजल्ट आया, और इन्होंने अपने ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को बेस्ट बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, उसी से रिलेटेड आज पूरी बात होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि ये ट्रांसप्लांट से पहले इनकी क्या कैसी कंडीशन थी। आपको स्क्रीन पर इनके फोटोज़ वगैरह दिखते रहेंगे और ये खुद ही बताएंगे कि इनकी क्या एक्सपीरियंस रहा था ट्रांसप्लांट से पहले का। तो सबसे पहले बताइए, आपको ट्रांसप्लांट से पहले आपकी क्या कंडीशन थी और आपको क्या दिक्कतें आती थी? ट्रांसप्लांट से पहले लगभग मेरा आगे का एरिया खाली हो चुका था। उसके बाद मैं जो है ना, शादी वगैरह में अगर मैं कहीं पर जाता था तो शादी पे जाने से पहले ही मुझे जो है घबराहट सी होने लगती थी और अच्छा नहीं लगता था, यार अच्छे अच्छे लड़के आएंगे वहाँ पे और तू, तेरे बाल नहीं है और तुझे फेस करना पड़ेगा लोगों के सामने और तू अच्छे कपड़े पहनेगा तो वो भी अच्छे नहीं लगेंगे। इस वजह से मुझे बहुत दिक्कतें आई, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं मेरा सामने निकल के आ पाता था। लेकिन उसके बाद मैंने जो है साहिल भाई से संपर्क किया इस चीज़ में। मैंने कहा साहिल भाई मेरे रिलेशन में है पहले से ही, और मुझे साहिल भाई ने कंसल्ट किया इस चीज़ के लिए कि आप ट्रांसप्लांट करो, इनकी ट्रांसप्लांट करा दो। फिर मैंने इनका एक अच्छे क्लिनिक में ट्रांसप्लांट कराया और इनका कुछ ट्रांसप्लांट ऐसा हुआ था। जब ट्रांसप्लांट हुआ था तो कुछ आपको पेन वगैरह किस तरह का एक्सपीरियंस था ट्रांसप्लांट के टाइम? मेरा गुड एक्सपीरियंस रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। जहाँ साहिल भाई ने मुझे कंसल्ट किया था, काफ़ी अच्छा वहाँ पे मुझे रिजल्ट मिला और काफ़ी मेरी अच्छी उन्होंने जो है केयर की उन्होंने, उन लोगों ने, और मुझे कोई किसी तरह का पेन वगैरह कुछ नहीं हुआ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। पेन तो बस वही होता है शुरू में, जब लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो वही पेन होता है, फिर तो पता ही नहीं चलता कि सर में क्या हो रहा है ना? जी जी जी, लोकल एनेस्थीसिया के टाइम, वरना कोई इस तरह कोई दिक्कत नहीं, कोई पेन नहीं किसी तरह का। तो आपने सुना कि लोकल एनेस्थीसिया जब आपको इंजेक्ट किया जाता है आपके स्कैल्प में तभी थोड़ा पेन होता है, उसके बाद तो वो सुन हो जाती है आपकी स्किन, सर का स्कैल्प तो कुछ पता ही नहीं चलता। फिर आपका ट्रांसप्लांट करते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता और पूरा ट्रांसप्लांट आपका कंप्लीट हो जाता है। मेडिसिन का बताएं, क्या मेडिसिन ले रहे हैं, कितनी PRP ले चुके, और उसके बाद इनके रिजल्ट से रिलेटेड बात पूछेंगे। जी मैंने 4 PRP ले चुका मैं अब तक, और फोली हेयर टैबलेट जो है वो मुझे जो कंसल्ट कर रखी है मैं उसी को ले रहा हूँ, बाकी इससे अलावा मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ। तो आपने सुना इनकी जो मेडिसिन है, ज़्यादा मेडिसिन नहीं ले रहे। देखो मेडिसिन उसको ज़्यादा लेने की ज़रूरत होती है जिसका रिजल्ट थोड़ा स्लो चल रहा हो, इनका रिजल्ट बहुत जल्दी चल रहा है, सिर्फ 4.5 महीने का ये रिजल्ट है। हाय फ्रेंड, लगभग 4.5 महीने करीब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है। आप देखें मेरा हेयर ट्रांसप्लांट किस तरह का हुआ है, बहुत अच्छा रिजल्ट मेरा आया है हेयर ट्रांसप्लांट का। आप देख सकते हैं किस तरह का रिजल्ट है मेरा।
आप स्क्रीन पे फोटो वीडियो देख सकते हैं, कि कितना फर्क आ गया। 4.5 महीने पहले ये कैसे थे और अब कैसे हैं। सिर्फ 4.5 महीने का इतना जल्दी रिजल्ट तो मेरा भी नहीं आता जितना जल्दी इनका रिजल्ट आ गया। तो ऐसे कुछ पेशेंट का होता है कि जिनका रिजल्ट जल्दी भी आ जाता है और साथ में मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है, एक तरीके से अनबिलीवेबल रिजल्ट आ जाता है। तो इनका यही है। अब इनसे थोड़ा जानेंगे ट्रांसप्लांट के बाद इनकी लाइफ में कितना बदलाव आ गया। देखो ट्रांसप्लांट के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी ट्रांसप्लांट कराता है तो एक बदलाव के लिए चाहता है कि यार मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाए और मैं दूसरों फेस करने में बिल्कुल भी डरूं ना, ना हिचकिचाहट हो मेरे अंदर। तो ये अब जानते हैं कि इनकी लाइफ में कितना बदलाव आ गया, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा बहुत अच्छा हो गया है। पहले जो मुझे फेस करना पड़ता था लोगों को, उस तरह का मुझे फेस नहीं करना पड़ता। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ मैं अपना फेस कर पाता हूँ। और शादी ब्याह वगैरह में जहाँ कहीं जाता हूँ तो मुझे अच्छे उससे जाता हूँ। पहले जो एक नर्वस सी फील होती थी, अब ऐसा नहीं है। इसलिए लाइफ में जो है चेंजिंग मेरे काफ़ी आ गया है मेरे हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। तो आपने सुना इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि देखो ट्रांसप्लांट के बाद यही होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, आप लोगों को फेस करने में नहीं डरते। जब आपका गंजापन हो जाता है तो आपके ये हेजिटेशन होती है कि यार सामने वाला मुझे जज कर रहा है कि यार ये तो गंजा है ये वो, लेकिन जब बाल आ जाते हैं तो इस तरह का कोई चीज़ें नहीं होती और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ दूसरों को फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इनके ट्रांसप्लांट को 4.5 महीने हो चुके हैं और इनका ये रिज़ल्ट है। ये कैसा रिज़ल्ट आपको लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको इनके क्लिनिक से रिलेटेड कुछ भी जानना है कि इनका हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ हुआ, कितने पैसे लगे, ये वो सब डिटेल चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बाकी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो इसी तरह की वीडियो थी, इसी तरह की जर्नी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आप भी ज़रा बोल दो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल जी, साहिल भाई को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू। तो ठीक है भाइयों, फिर चलता हूँ एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके, जल्दी आपके सामने आ जाऊँ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।